आपको कुछ एडवाइस चाहिए? नहीं सर। नहीं 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 नहीं। नो। सर हमने खबरों में पढ़ा था कि आपको बीच में स्लिप डिस्क हो गया था जी, लेकिन उसके बावजूद भी आप फिल्म की शूट कर रहे थे जी। तो सर आपको स्क्रिप्ट ही इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी कि मैडम ने मना कर दिया था घर में नहीं बैठना। नहीं, मुझे खुद घर में बैठना अच्छा नहीं लगता। वेरी गुड सर। और दूसरी बात यह है कि जब आपने कमिट कर लिया तो कोई भी हालात में जाके फिल्म कंप्लीट करना चाहिए। थोड़ी तकलीफ होती है, एंजॉय कर लेना चाहिए। लव यू सर। अच्छा, मेड इन चाइना का टैगलाइन है इंडिया का जुगाड़। जैसे मैंने पहले बात की कि हम लोग कभी ना कभी कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर करते हैं। सर मैं ये सवाल मेरा तीनों से है, आपने लाइफ में कभी कुछ जुगाड़ किया सर? हाँ, छोटे छोटे जुगाड़ हम सभी करते हैं आई थिंक डेली लाइफ में। रिमोट जब आपका टीवी का काम नहीं करता है तो उसको पलट के तीन चार लगाओ उसके पिछवाड़े पे, तीन चार अच्छे से लगाओ उसके, फटाफट काम करता है। देख लो, फटाफट काम करता है वो। मोनी, कभी आपने किया कुछ जुगाड़? हाँ, बहुत सारा। मैं छोटे छोटे ज्वेलरी बॉक्सेस की डिब्बियां ले लेती थी मम्मी की, और उसमें इलायची, वो तो मैं आज तक रखती हूँ। अच्छा, वो एक आदत है। गलती से आपने, हम लोग बहुत सोचते कि हम घर में एक्सरसाइज करेंगे तो कभी कभी लोग ट्रेडमिल भी खरीद लेते हैं। हाँ। तो उसपे कपड़े झूलते सूखते हैं और प्रेस होता है। सो या जैसे अपने इंडिया में बड़े लोग करते हैं ना, टूथब्रश करते हैं, तो टूथब्रश नया लेके आओ ना तो बिल्कुल ऐसे होता, कड़क हो आर्मी की तरह। धीरे धीरे करता 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 ना टूथब्रश ऐसे खुल जाता है, उसके बाद उससे डाई करने लगते हैं। फिर वो जब उसके वो वाले दांत भी निकल जाते हैं ना, टूथब्रश पॉपुलर हो जाता है जब, फिर उसमें नाड़ा बांध के सलवार में डालने लगते हैं। उसके बाद भी पता नहीं कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं अपना जुगाड़। यहाँ जितने भी मेहमान बैठे हुए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने लाइफ में कभी कोई जुगाड़ किया है तो आप शेयर कर सकते हैं अपने मजेदार किस्से। जी मैडम। हेलो सर। हेलो। किम चो बदा मजा माचो। मजा माचो ये बता। एक बार ऐसा हुआ कि 10 दिन की ट्रिप के लिए मैं और मेरे हस्बैंड बाहर घूमने गए। अच्छा। तो कच्चे मैंने पूरे लिए थे 4-5, लेकिन ठंडी का सीजन था तो कच्चे सूखे नहीं थे। अभी एक ही बच्चा था और उसमें मैंने देखा तो छेद निकला। अभी मैं डर गई, मैं क्या करूं, क्योंकि अभी उनको मालूम पड़ा तो वो तो मुझे डांट के पूरी ट्रिप का सत्यानाश ही कर डालते। तो डर क्यों गई, वो कौन सा आपके अलावा किसी और ने देखना है? लेकिन अंदर भी उनको वो नहीं चला। ओ, मतलब उसके बाद मैंने ये जुगाड़ लगाया कि उनको पता ना चले, इसके लिए मैं लाल कलर का जो धागा लेके गई थी, हाँ जी, उससे मैंने हार्ट शेप बना दिया, जो छेद था वहां पे हार्ट शेप। वे मैंने एक फिल्म की थी ना, किस किस को प्यार करूं, उसमें होता है मेरी बीवी कच्चे पे ना नाम स्टार बना देती है। हाँ। तो वो एक ही बिल्डिंग में तीन बीवियां रखता है ना, एक ऊपर फ्लोर पे एक नीचे, तेरी फितरत, ऊपर वाले फ्लैट से कच्चा उड़ के नीचे आ जाता है। हाँ। तो बोलता है मेरा क्या ऐसे कच्चे बड़ी दुनिया पहनती है। हाँ। बोलती है लेकिन ये मैंने आर बनाया था, पर ये कलाकारी कमाल की है मैडम, वैसे ये क्रिएटिविटी है, लेडीज सोच सकती है। थैंक यू। और आज तक उनको मालूम भी नहीं पड़ा कि ऐसा हुआ था। आपके हस्बैंड आए साथ में? जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? क्या बात है, ये कड़ी चावल रंग का जो कुर्ता पहना आपने, बड़ा मतलब खिले खिले से रंग है ना। थैंक यू सर। सर आपको उस चीज से क्या सीख मिली कि अपनी पैकिंग खुद करनी चाहिए? हाँ, करनी चाहिए। हाँ। लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे बहुत ज्यादा रोमांटिक होगी वो चीज, मुझे मिली कुछ डिफरेंट लगा। अच्छा लगा आपको? हाँ। वाह, चलिए बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से मिलके, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो कपिल। हेलो। हाय मैम। हेलो एवरीवन। हेलो। मेरा नाम प्रिया है, मैं थाने से आई हूँ। जी प्रिया। मैंने ऐसा जुगाड़ लगाया था कि हम लोग कॉलेज टाइम पे, मैं और मेरी दो फ्रेंड्स, हम लोग ऐसे ही घूमने निकले। अच्छा। तो लोकल में ट्रैवल कर रहे थे, टिकट्स नहीं ली थी हमने। अच्छा। और अनफॉर्चुनेटली स्टेशन पे हम लोग को टीसी ने पकड़ लिया और अपनी मेन ऑफिस में ले गए। अच्छा। अब और वो बहुत खड़ूस था, उसने बोला आपके पापा को फोन करो, मम्मी को फोन करो। तभी एक यंग टीसी ने एंट्री मारी, हमने बोला हो गया जुगाड़, उसके पास गए और फ्लर्ट चालू कर दिया कि आप तो जेंटलमैन दिखते हो, आप तो बहुत हैंडसम हो, इस बार हम लोग को छोड़ दो, नेक्स्ट टाइम से कभी कुछ नहीं करेंगे। फिर फाइनली हाँ, फ्री में छोड़ दिया। नंबर्स एक्सचेंज कर लिए थे उनने कि आपका नंबर दे दो, आगे से ऐसा कुछ करना मत, ऐसे नंबर्स एक्सचेंज कर लिए थे। अच्छा। बाद में कॉल भी आया बट जुगाड़ खत्म हो गया था, तू कौन मैं कौन। अच्छा, ये तो चलो आपने जुगाड़ लगा लिया कि चलो टीसी के साथ थोड़ा फ्लर्ट कर लिया, आदमी लोग पकड़े जाएं उसके लिए आपके पास कोई आइडिया है? फाइन देके ही छूट सकते हैं। हम लोग ऐसे करें कि ओह टीसी साहब तो नहीं, नहीं हो। अगर लेडी टीसी हो तो शायद कुछ हो सकता है, आप रहोगे तो पक्का हो जाएगा। पर बिना टिकट सफर ना करें आप,
हाँ टिकट लेके ही चढ़े. हाँ प्रिया धन्यवाद शो में आने के लिए. थैंक यू सो मच एंड आई एम योर ग्रेटेस्ट फैन. आई वॉन्ट कि ये शो चलता ही रहे बच्चे के बच्चे भी आपके शो देखे और आप लाठी लेके भी ये शो आए करने. थैंक यू शुक्रिया. और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश कर. जी भाई साहब. हेलो एवरीबॉडी. हेलो सर. हेलो फ्रेंच कनेक्शन. हाँ जी. दाढ़ी भी फ्रेंच. हाँ जी हाँ जी. फ्रेंच कनेक्शन क्या है? फ्रेंच नहीं वो फ्रेंच नहीं है. इन्होंने कहा था जी आप उनकी तरफ देख रहे हो. नहीं नहीं वो मुझे देख रहे हैं. जिन्होंने कहा है ऑल बॉडी. ऑल वन. ऑल बॉडी सर. ओके ओके. हाँ जी बात कच्चे की है जी. फिर पंजाबी में ही. अच्छा जी. मेरे साथ वालों के पास एक एसी लगा हुआ है. हमारे कपड़े कई बार नहीं सूखते थे. हाँ जी. तो हम एसी की बैक साइड में जैसे गर्म हवा में लगा देते थे. तो कच्चे सूख जाते हैं. ऐसी तकलीफ हुई कि पता नहीं एसी में किया हुआ हमारे कच्चे सारे जल गए. और हमने कसम खाई कि आगे से जगाड़ नहीं लगाना है. कपिल सर ये मुझे समझ में नहीं आया. हमारे देश में इतनी गर्मी है इतनी गर्मी है लेकिन ये पूरे ऑडियंस के कच्चे सूखते ही नहीं. ये प्रॉब्लम क्या है? अंदर की बात. अंदर की बात. धन्यवाद सर. शुक्रिया. राजकुमार जी राव राव. निहाओ निहाओ. मोनी जी रोय रोय. बमन जी रानी रानी. अर्चना जी सिद्धू सिद्धू. सपना ये क्या कर रही हो तुम? तू तो चुप चुप चुप. तू चुप हो जा. मैं आई लिए ना. अरे बाप अपने फेवरेट लोग आए ले इनके लिए जोरदार ताली हो जाए. तूने ये अपना क्या हाल बना के रखा है? अच्छा ये मेड इन चाइना पिक्चर बना सकते हैं. मैं मेड इन चाइना ब्यूटी पार्लर नहीं बना सकती क्या? अच्छा तो चाइनीज ब्यूटी पार्लर खोलने से क्या होगा? क्या होगा? तेरे ये फुकरे दोस्त लोग इन लोगों ने जब बाहर बोर्ड देखा ना चाइनीज ब्यूटी पार्लर हा? सब आके इधर बीटी फूकने लगे. चले गए अंदर मसाज करवाने ये सब लोग. और ये तूने जो किया ये मोटे का क्या नाम है? ये पांडे नहीं चाइनीज पांडा है. कप्पू ये आके मेरे को बोलता है मेरे को नूडल मसाज दे. मैंने बोला साणे ज्यादा बकवास की ना तेरा हक्का निकाल दूंगी यहाँ पे मैं. हम लोग एक बात बता हमारा शो नंबर वन है ना. इसकी कोई भी बैंड नहीं बजा सकता. लेकिन ये पहले लोग हैं जो ऑफिशियली बैंड बजा रहे इस शो. आप लोगों ने मेड इन चाइना बनाया इसने मेड इन पंजाब बनाया ला इधर. अर्चना जी मेरे को तो लगता है 60% पंजाब है ना. ये कप्पू करेंसी पे चल रहा है मैं बता रही हूँ. सपना देख तेरे सामने इतने अच्छे मेहमान बैठे उनके बारे में बात कर कोई. तेरे को मालूम है ना वो लोग अच्छे हैं. ऐसे लोग को क्यों लाते है तू शो के ऊपर? मस्त काम करिए. मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है. एक देना ये खारिश हो रही है. क्या कुछ नहीं एक लिया है खाली ऐसे. खुजली हो रही. तेरी खुजली तो मैं मिटाएगी तो रुक जा. थैंक यू सपना. मेरे को ना बहुत कुछ नहीं तू बात कर रहा. हाँ मैं क्या बोलती सर मेरे को ना लाइफ में दो ही चीजें पसंद है. क्या? खाने में वड़ा पाव और फिल्मों में हाँ, राजकुमार राव. नहीं इंटरवल. मजे नहीं है ना. बकवास लगाना सर आपको. ऐसा मुझे अर्चना जी ने बोला था ऐसा बोल देना इस पंच पे मैं बहुत हंसेगी. हंसो अभी.